स्वागत आपके डिफेंडर्स में। आज अपन बात करेंगे दुबई और एमआई अमीरात के बीच होने वाले यूए T20 लीग के फाइनल मैच के बारे में। तो इस मैच के लिए कौन होगा हमारी मेगा गने लीग के लिए ट्रम्प प्लेयर, जानेंगे पिच रिपोर्ट और देखेंगे इस वेन्यू पे जो मैच है उनमें किस प्रकार का स्कोरिंग पैटर्न बनता है, पेसर ज्यादा विकेट निकालने वाले स्पिनर, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में बताने वाला हूँ मेगा गने लीग के लिए बेहतरीन लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे ट्रम्प प्लेयर बन सकते हैं। देखो लास्ट मैच मैंने आपको बताया था दुबई और गोल्फ का था, लियाम डोसान, हैदर अली और टॉम बेंटन, भाई तीनों प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज एकदम से कम था और तीनों ही प्लेयर मैंने आपको बताए थे लोअर सिलेक्शन कैटेगरी से और तीनों ही प्लेयर पिक हुए थे, एक तरफा अपन को विन करवाया था। आज के मैच में भी कई प्लेयर ऐसे जिनका सिलेक्शन कम है लेकिन वो इस फाइनल मैच में अपना हुनर दिखा सकते हैं और आपको भी वो मैच विन करवा सकते हैं। किस प्रकार से आपको उनको लेना है, सीवीसी किसे रखना है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलते हैं पिच की तरफ। मैच खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। यहाँ पे देखो जो मैच हुए उनमें स्कोरिंग पैटर्न अपन देख रहे हैं, ठीक है। आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और हर एक बात को समझना है। देखो टीम बनना आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाती है, एक एक बात अगर आप नोटिस करोगे जो मैं बोलूंगा आप पक्का विन करोगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ देखो भाई एमआई अमीरात एक कितना बना रही है, 163 सात विकेट के नुकसान पे। गोल्फ की टीम चेज नहीं कर पा रही, सात विकेट पेसर को, आठ विकेट मिले थे स्पिनर को। गोल्फ जाइंट्स 166 पे तीन, अबू धाबी की टीम चेज कर नहीं कर पा रही है, यहाँ भी तीन रन से लॉस करती है, सात विकेट पेसर को मिलते हैं, तीन विकेट मिलते हैं स्पिनर को। वीपर 171 बना रही है, दुबई चेज कर रही है, आठ विकेट पेसर को मिल रहे हैं, चार विकेट मिल रहे हैं स्पिनर को। गोल्फ 158 बना रही है, एमआई अमीरात चेज नहीं कर पाती है, पांच पेसर को मिले और सात विकेट मिले स्पिनर। गोल्फ जाइंट्स 126 पे नौ, दुबई की टीम 107 पे ऑल आउट हो रही है, दस विकेट पेसर को मिल रहे हैं, पांच विकेट मिल रहे हैं। यहाँ देखो आप बैट फर्स्ट टीम जीत रही है, यहाँ पे बैट फर्स्ट टीम जीत रही है, यहाँ पे बैट फर्स्ट, यहाँ पे बैट फर्स्ट, यानी बैट फर्स्ट टीम यहाँ पे पिछले कुछ मैचों से ज्यादा मैचे विन कर रही है। बाकी देखो चेंज करना भी इतना कोई मुश्किल है नहीं, लेकिन फाइनल मैच का जो प्रेशर है वो टीम पे रहेगा चेंज करने में। खासकर अगर बैट फर्स्ट करते हुए बढ़िया स्कोर बोर्ड पे लग जाता है तो फिर आपको उस टीम के बैटर्स भी लेना है, बॉलर्स भी लेना है, क्योंकि सामने वाली टीम की हालत फिर ऐसी होने वाली है। देखो कुछ मैचों में जैसे है ना 10 विकेट जाने वाले, बाकी विकेट है पेसर स्पिनर, भाई स्पिनर अच्छा रोल निभाते हैं यहाँ पे, अच्छे विकेट, अब क्योंकि स्लो हो चुकी है तो उनको विकेट यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ देखो लास्ट टाइम इस सीजन जो दो मैच हुए इनके उनमें कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, देखो गुरबाज है नहीं इस मैच में, इसके अलावा फ्लेचर, सैम विलियम्स, फ्लेचर और टॉम बेंटन आपको नजर आएगा, विलास मोहम्मद, जेफ फ्रेशर है नहीं, ठीक है। इसके अलावा टीम डेविड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, माइकल होल्डन और डी मुसली, ये खेल सकता है भाई आज के मैच में, क्योंकि कुशाल परेरा शायद अवेलेबल नहीं रहेगा। होल्डर, सिकंदर रजिया, ठीक है, या सिकंदर रजिया, ब्राउड और जॉर्डन थॉम्सन, इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट, आर अकीबुल्ला खान, चमीरा, चमीरा नहीं है, हैदर अली, कुगलिन, जहीर खान और विजय विश्वकांत, भाई ये प्लेयर इंपोर्टेंट फिर से आपके लिए रहने वाला है। यहाँ देखो एमआई अमीरात की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले, भाई विलास मोहम्मद के साथ ओपन करेगा फ्लेचर, उसके बाद निकलस पोरन, डी मुसली, टिम डेविड, केरन पोलार्ड, डीजे ब्राउ, ट्रेंट बोल्ट, एम रोहित खान, अकील हुसैन, विजय विश्वकांत और वकार सलीम के लिए आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब टीम चेंज ये कर सकते, देखो मेरे अकॉर्डिंग कुशाल परेरा इस मैच में शायद आपको खेलता हुआ नहीं नजर आएगा। बाकी टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, वहां से अगर कोई भी चेंज होता है लाइटम पे मैच से रिलेटेड जो भी अपडेट रहने वाले सब मैं आपको बताने वाला हूँ टेलीग्राम पे। साथ में मेगा जेल के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ज्वाइन जरूर करें। यहाँ देखो विलास मोहम्मद 89 बनाए, उसके बाद 19, 37, 7, 11, 12, तो भाई इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है पिछले कुछ मैचों से, लेकिन टूर्नामेंट की स्टार्टिंग बहुत ही अच्छे से इसने की थी तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। फ्लेचर को देखो 18, 22 नॉट आउट, 11, 11, 45, 0, भाई फ्लेचर के जो रिकॉर्ड है इनके अगेंस्ट कमाल के, आगे मैं बताऊंगा, बहुत ही शानदार प्लेयर है और इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए इस गेम में रह सकता है, जीएल आपको जिता सकता है, क्योंकि अगर कुशाल परेरा नहीं खेलेगा तो ओपन फ्लेचर ही करने वाला है। निकलस पूरन 17, 24, 39, 18, 18, 36, भाई मस्ट पिक प्लेयर है, हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस इसकी रहती है, तो निकलस पूरन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर इस गेम में बन सकता है, क्योंकि विकेट कीपिंग से पॉइंट देगा और वन डाउन खेलने आएगा। डिम मुसली को देखो आप 11, 1 विकेट, 2 रन प्लस 2 विकेट, भाई इसका अच्छा परफॉर्मेंस था, बॉलिंग से अच्छे विकेट इसने झटकाए थे, लेकिन जो मेन प्लेयर है उनके वापस आने के बाद इसको मौका नहीं मिला, अगर कुशाल परेरा बाहर जाएंगे तो मुझे लग रहा है इसको ही मौका मिलने वाला है। टिम डेविड 28, 0, 2, 37 नॉट आउट, 31, 41, 29, भाई शानदार फिनिशर है, मस्ट पिक आपके लिए रहने वाला, बहुत अच्छी बैटिंग करता है। पोलार्ड
27-21, 33+0, 40-60, 27। भाई पोलार्ड ये है कि बड़े मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस दे जाता है, तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेगा। हालांकि बोलिंग ये करेगा नहीं, अभी तक तो इसने इस टूर्नामेंट में बोलिंग नहीं की। हालांकि साउथ अफ्रीका T20 लीग में इसने बोलिंग जरूर की थी, तो आप उम्मीद कर सकते हो अगर टीम पे कोई दिक्कत आएगी जीतने में तो पोलार्ड को बॉल थमा दी जाएगी। भाई प्लेयर शानदार है। डीजे ब्रावो 1 विकेट, 1 विकेट 0, 10 रन, 2 विकेट, 30 रन प्लस 1 विकेट। भाई लास्ट गेम में ऊपर भेजा गया था ब्रावो को, हो सकता है टीम फिर से एक्सपेरिमेंट कर ले, क्योंकि ऊपर ये थोड़ा सा रुक कर खेल लेता है। इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए, ये दोनों ही सीनियर प्लेयर इनके रहने वाले हैं। ट्रेंट बोल्ट को देखो आप, काफी टाइम हो गया इतने अच्छे विकेट नहीं निकाल रहा है, 1 विकेट 0, 2 विकेट 1 विकेट 0, लास्ट गेम में फिर से विकेट लेस, यानी विकेटलेस काफी जा रहा है ट्रेंट बोल्ट आजकल कुछ मैचों से। लेकिन देखते हैं मेन मैच में कैसा क्या परफॉर्मेंस इसका रहता है। एम रोहित खान 3 विकेट 1 विकेट, उसके बाद 0-0 1 विकेट। भाई इसके साथ ये प्रॉब्लम ये है कि उसको बॉलिंग ज्यादा नहीं देती है टीम, कई बार इनका स्पिनर से अच्छा काम चल जाता है तो बॉलिंग इसको ज्यादा नहीं दी जाती है। अकील हुसैन 2 विकेट 1 विकेट 0-0 1 विकेट 2 विकेट। इंपोर्टेंट प्लेयर है भाई, बहुत ही शानदार गेंदबाज है। विजय विश्वकांत भाई कमाल की गेंदबाजी है, 2 विकेट 0, उसके बाद 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट। और एक बात बताऊं, हर मैच में मैंने आपको बोला है इसका जब सिलेक्शन हुआ था अकील हुसैन की जगह, कि ये प्लेयर चलेगा क्योंकि ये पिच इनको सूट करते हैं, श्रीलंका का गेंदबाज, ये अच्छी गेंदबाजी करता है और फिर से आपके लिए अच्छी रोल ये निभा सकता है, और हर बार इसने अपन को विन करवाया। वकार सलीम के लिए 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, अच्छी गेंदबाजी रही हुई इनकी स्पिनर्स की, इसलिए इस टीम ने टॉप पे फिनिश किया है और फाइनल में। ठीक है, यहाँ से कोई खेलेगा नहीं। बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड। भाई मोहम्मद वसीम 5 मैचों में 105 रन 51 हाईएस्ट अगेंस्ट इनके है, ठीक है। बाकी वेन्यू पे 11 मैचों में 247 रन 24 की एवरेज। ट्राई कर सकते हो भाई, ओपन करने आएगा। कुशाल परेरा वैसे तो खेलेगा नहीं, बाकी आपके सामने है रिकॉर्ड, 1 मैच में 11 है, बाकी वेन्यू पे 6 मैचों में 190 84 हाईएस्ट है। फ्लेचर के 5 मैचों में 186 68 हाईएस्ट, यानी फ्लेचर को ये टीम काफी पसंद आती है। भाई फ्लेचर इनके अगेंस्ट हमेशा अच्छा खेलता है। वेन्यू पे आप देखोगे तो 13 मैचों में 179 रन 15 की एवरेज है, तो वेन्यू पे इतने अच्छे आंकड़े नहीं है लेकिन अगेंस्ट अच्छा खेलता है। निकलस पूरन 4 मैचों में 130 रन 66 हाईएस्ट, तो भाई इनका एक अच्छी पारी आने के चांस है दोनों प्लेयर्स से किसी एक वेस्टइंडीज प्लेयर की। वेन्यू पे 18 मैच में 448 रन 30 की एवरेज, तो दोनों जगह पूरन अच्छा है। बाकी वेन्यू पोलार्ड की बात करें 2 मैचों में 94 1 विकेट, इसमें 87 हाईएस्ट इसने बनाए थे अगेंस्ट, बाकी वेन्यू पे 32 मैचों में 739 रन 7 विकेट, तो काफी ज्यादा अनुभव है भाई पोलार्ड को बड़े मैच खेलने का। ये बात आपको ध्यान में रखते हुए टीम बनानी है, बहुत ही शानदार प्लेयर है। टीम डेविड 1 मैच में 27, वेन्यू पे 5 मैचों में 147 प्लस 2 विकेट है। ब्राउ ने 3 मैचों में 2 विकेट निकाले, वेन्यू पे 22 मैचों में 250 रन प्लस 20 विकेट निकाले, तो भाई अनुभव की कोई कमी नहीं इस टीम के पास। अकील हुसैन 3 मैचों में 22 रन 1 विकेट, वेन्यू पे 7 मैच में 52 रन प्लस 6 विकेट निकाले। बोल्ट के 4 मैचों में 5 विकेट है, वेन्यू पे 15 मैच में 23 विकेट है। विश्वकांत 1 मैच में 2 विकेट, वेन्यू पे 2 मैचों में 4 विकेट है। सलीम केली का 1 विकेट है और वेन्यू पे 6 विकेट है, तो इंपोर्टेंट स्पिनर नजर आ रहे हैं दोनों स्पिनर। बाकी एमरोइड खान 2 मैच खेला जिसमें इसने बॉलिंग ही नहीं की है, ठीक है, विकेट कैसे मिलेगा। बाकी वेन्यू पे 3 मैचों में 4 विकेट इसने निकाले। बात करते हैं दुबई की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले। भाई एल्डू कुली के साथ ओपन किया टॉम बेंडर, उसके बाद टॉम एबल, सैम बिलिंग, सिकंदर अजय, रोमन पावल, जेसन होल्डर, कुगलाइन, आरकिपुल्ला खान, ओली स्टोन, हैदर अली फर्स्ट और जहीर खान जो कि लेफ्ट आर्म चाइना में बॉलर है, वो खेलता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा इस टीम में चेंज होने की गुंजाइश काफी कम नजर आ रही है। यहाँ देखो आप 57, 68, 10, 17, 9 और 63, भाई बहुत अच्छी फॉर्म रही है इसकी। साउथ अफ्रीका T20 लीग में अच्छा कर रहा था, यहाँ आने के बाद एक आध मैच लगी इसको, लेकिन फिर जो लास्ट गेम में परफॉर्मेंस रहा है वो कमाल का रहा है, तो ये देखते हो आप इसको फिर से ट्राई कर सकते हो। टॉम बेंटन की बात करते हैं, 1, 15 नॉट आउट, 15, 37, 44 और 38। भाई ये अच्छा प्लेयर है, क्यों? क्योंकि अगर बैट फर्स्ट ये टीम करेगी, सॉरी सेकंड करेगी, तो शायद कीपिंग सैम बिलिंग्स की थी, तो सैम बिलिंग्स करेगा कीपिंग तो, लेकिन बैटिंग से भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन इसका लास्ट 3 गेम में रहा है, तो ये देखते हो आप फिर से आप इसको ट्राई कर लेना। टॉम एबल 26, 46, 2, 55, 41 और 20। भाई टॉम एबल, एल्डू कुली साउथ अफ्रीका T20 लीग में धमाल मचाने के बाद यहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस रेगुलर दे रहे, ड्रीम टीम के मेंबर ये हर बार बन रहे थे, इनके टॉप ऑर्डर अच्छा है, लेकिन उधर से ट्रेंट बोल्ट इतना अच्छा फॉर्म में है नहीं, या तो फिर आप ट्रेंट बोल्ट पे रिस्क लो या फिर आप इनमें से एक आध प्लेयर पे रिस्क ले सकते हो। बात करते हैं सैम बिलिंग्स की, 6, 5, 12, 57, 6, 46। भाई कैप्टनसी मिलने के बाद की ये 2 अच्छी पारी आई इसकी, लास्ट मैच में बैटिंग ही नहीं आई थी क्योंकि 9 विकेट से टीम ने मैच को विन कर लिया था, लेकिन इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेगा। रज्जा की बात करते हैं, 10+0
60 रन, 1 विकेट, 1 विकेट, 40 रन, 2 विकेट, लास्ट गेम में बैटिंग नहीं आई, बाकी 1 विकेट, यानी एक आध विकेट तो हर बार इसको मिल रहा है, प्लस जो रन बना रहा है वो भी अच्छे रन बना रहा है जब भी इसकी बैटिंग आती है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेगा, कैप्टन, वो इस कैप्टन की भी अच्छी पिक है रहने वाला है। रोमन पावल 40, 1, 14+0, 63+0, 21, और लास्ट गेम में बैटिंग नहीं आई। होल्डर 42 रन, 1 विकेट, 34, 1 विकेट, 28, 2 विकेट, 0, 1 विकेट, भाई 2 ही ओवर डलवाए थे लास्ट गेम में होल्डर से, बाकी होल्डर ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 7 ही रन दिए थे, 1 विकेट निकाला था, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। कुगलाइन 22, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 10 रन, 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, भाई कमाल का, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट रहा है, इसको मौका मिलते ही हर मैच में इसने परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। आर रकीबुल्ला खान 1 विकेट, 0, 1 विकेट, 2 विकेट, 0, 0, शायद मौका मिलेगा नहीं, हाँ लास्ट गेम ये नहीं खेला था, आगे बताऊंगा कौन सा प्लेयर खेला था इसकी जगह, उसकी वजह से वो बैटिंग नहीं आई थी, यूएई का लोकल प्लेयर है। ओलिस्टोन 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, ओलिस्टोन को 6 विकेट मिलते हैं, खास करके बॉल फर्स्ट में अच्छी गेंदबाजी करता है भाई। हैदर अली 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0, 1 विकेट, हैदर अली लास्ट टाइम इनके अगेंस्ट 3 विकेट निकाले थे, तो ये बात ध्यान में रखते हुए आप इसको टीम में रख लेना। जहीर खान 3 विकेट, 2 विकेट, 0, 0, 2 विकेट, 2 विकेट, लास्ट गेम विकेटलेस जरूर था, उससे पहले अच्छी इसने गेंदबाजी की है। हाँ राहुल चोपड़ा खेल सकता है आरकिबुल्ला खान की जगह, की लास्ट गेम में था, बाकी रोल शायद इन दोनों ही प्लेयर का नहीं बनेगा अगर खेलते हैं तो भी। बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, भाई टॉम बेंटन को देखो 2 मैचों में 82 रन है, तो अच्छे रन बनाए, 45 हाईएस्ट, बाकी वेन्यू पे 5 मैच में केवल 51 रन, तो ये देखते हो टॉम बेंटन को आप रिस्क ले सकते हो। रोमन पावल 4 मैचों में 134 रन है, 1 विकेट है वेन्यू पे, 10 मैच में 247 रन, प्लस 3 विकेट, भाई कैरेबियन पावर आपको इस गेम में देखने को मिल सकता है। सैम बिलिंग्स 4 मैच में 27 रन है वेन्यू पे, 22 मैच में 675 रन, 40 की एवरेज, तो वेन्यू पे खूब खेलने का अनुभव, बाकी अगेंस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलता है सैम बिलिंग्स। सिकंदर अजा ने 4 मैच में 94, 5 विकेट, वेन्यू पे 12 मैचों में 364 रन, प्लस 8 विकेट, तो ये कमाल का प्लेयर है सिकंदर रजा। इसके अलावा होल्डर 1 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे 10 मैच में 55 रन, 13 विकेट, रोफेल वेंडी मारवे 1 में 11 में 11 विकेट है, हैदर अली 1 मैच में 3 विकेट अगेंस्ट है, बाकी वेन्यू पे 2 मैचों में 2 ही विकेट है। आरकिबुल्ला खान 5 मैचों में 1 विकेट, तो भाई काम का प्लेयर है नहीं, वेन्यू पे 10 मैच में 7 विकेट है। कुगलाइन ट्राई कर लेना भाई, 3 मैचों में 5 विकेट है वेन्यू पे, अगेंस्ट भी 1 विकेट मिला था, ओलिस्टोन को भी 1 विकेट मिला था, और वेन्यू पे लेकिन 2 मैचों में 6 विकेट ओलिस्टोन निकाल चुका है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करते हैं मेगा ग्रैंड लीग के लिए आपको क्या चेंज करनी चाहिए, भाई हर बार आपको पता है कि लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर तो हर बार आएंगे, और उनको पिक का आपको मैं हर मैच में करवा रहा हूँ, एक भी नहीं 3-4 पिक आपको हर मैच में दे रहा हूँ, हर बार वो सक्सेस हो रही है आपके लिए, आप अच्छा विन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ देखो दुबई की तरफ से टॉम बेंटन, जहीर खान, हैदर अली, इसके अलावा विजय विश्वकांत, फ्लेचर, केरन पोलार्ड, तो ट्राई किस प्रकार करना है, अगर दुबई की टीम पहले बॉलिंग करे उस कंडीशन में आप ट्राई करना इन दोनों में से एक ही स्पिनर, दोनों के साथ मत जाना फिर, ठीक है, यहां से एक प्लेयर ले लेना, फिर इनके जो टॉप ऑर्डर में से आप फ्लेचर को लेना, पोलार्ड पे रिस्क मत लेना, ठीक है, फिर आप विजय विश्वकांत, यानी 3 प्लेयर यहां से ले सकते हो, अगर ये पहले बॉलिंग कर जाए उस कंडीशन में आप इसको फिक्स कर लेना, बाकी आप इन दोनों में से एक प्लेयर को रखकर उनमें से भी एक प्लेयर ट्राई कर सकते हो। तो डिफरेंस लिए आपको देखो प्लेयर्स को रोटेट करना होगा, आपको कम से कम यहां से 3 प्लेयर लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर्स लेने ही होंगे। बात करते हैं भाई टीम में किस प्रकार हो, सैम बिलिंग्स, निकलस पूरन और फ्लेचर, इसके अलावा पोला, टीम डेविड, विलास मोहम्मद, एल्डुपुली, इसके अलावा टॉम एबल को मैंने लिया इस टीम में, ठीक है। यहाँ रज्जा होल्डर को रखा है, रज्जा होल्डर के साथ ब्राउ को रखा है, बोल्ट, विजय विश्वकांत, स्लिम कैली, ओलिस्टोन, अकील हुसैन, स्लिम कैली, हैदर अली, ओलिस्टोन, सॉरी कुगलाइन और ओलिस्टोन को मैंने यहाँ पे रखा है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सिकंदर रज्जा ऑप्शन है आपके लिए, बहुत ही शानदार ऑप्शन है, बाकी एल्डुपुली को आप वीसी ट्राई कर सकते हो, फिर ओलिस्टोन को, अगर आप दुबई कैपिटल के फेवर की टीम बना रहे हो, अगर आप एमआई अमीरात की फेवर की टीम बना रहे हो तो फिर तो देखो आपको कैप्टन करना होगा, कैप्टन वाइस कैप्टन आप कर सकते हो इनके स्पिनर्स से, क्योंकि इनके स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, बाकी देखो इनके जो मिडिल ऑर्डर में रज्जा और सैम बिलिंग्स स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, और इनके पास कोई डेथ का कोई खास बॉलर है नहीं, तो उस कंडीशन में पूरन फ्लेचर आपके लिए अच्छे ऑप्शन इनकी तरफ से रहने वाले, वीसी आप इन बॉलर्स में से ट्राई कर सकते हो, इस प्रकार से आपको सीवीसी रखना है। बाकी दोनों ही टीमों में एमआई अमीरात थोड़ी सी हाई लग रही है मुझे, तो जीतने के चांस इनके, बाकी आप कमेंट करके बताइए कि फाइनल कौन सी टीम लेकर जाने वाले, एमआई अमीरात या दुबई। धन्यवाद।